नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला बुधवार को कराची नेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में वापसी करते हुए पाकिस्तान को 79 रनों से हराया और सीरीज को 1-1 से बराबर किया है। मैच में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डीवन कॉनवे के शतक की मदद से 261 रन का टारगेट रखा, जिसका पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम सिर्फ 182 रन ही बना पाई। पाकिस्तान की टीम यह मैच जरूर हार गई, लेकिन उनकी टीम के युवा गेंदबाज नसीम शाह ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। नसीम शाह ने पाकिस्तान के लिए 2022 में वनडे फॉर्मेट में डेब्यू किया था और अभी तक 5 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। नसीम शाह शुरुआती 5 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। शाह ने अभी तक खेले गए 5 वनडे मुकाबलों में 18 विकेट चटकाए हैं, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा है। नसीम शाह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में 3 विकेट लिए थे और इससे पहले ओडीआई में नसीम ने 5 विकेट चटकाए थे। नसीम से पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज रियान हैरिस के नाम था, जिन्होंने अपने शुरुआती 5 वनडे मैचों में 17 विकेट लिए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के गैरी ग्लिमर और बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने अपने शुरुआती 5 वनडे मैचों में 16-16 विकेट लिए थे। आपको बता दें कि 19 साल के नसीम शाह ने अभी तक खेले 5 वनडे मैचों में 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। अगर मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से पहले बैटिंग करते हुए डीवन कॉनवे ने बेहतरीन शतक लगाया और 101 रन की पारी खेली और उनका अच्छा साथ दिया कप्तान केन विलियमसन ने, जो अपने शतक से तो चूक गए लेकिन 85 रन की बढ़िया पारी खेली। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेट लिए। इसके बाद टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और लगातार विकेट गिरते चले गए। पाकिस्तान की तरफ से केवल कप्तान बाबर आजम ने 114 गेंदों पर 79 रन बनाए, बाकी और कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया, जिसके कारण पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 182 रन पर ढेर हो गई। अब सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 13 जनवरी को कराची में खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।